अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयबा आबिद। आई एम टीचिंग यू द जूलॉजी बी कोर्स इन वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी। दिस लेक्चर इज़ ट्रांसफर्ड टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएमई। टुडेज टॉपिक इज़ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड ट्री डायग्राम्स। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और ट्री डायग्राम्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशंस हैं जिनसे एनिमल्स की एज का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स आज तक एनिमल्स के इवॉल्व हुए हैं उनकी एज का पता चलाया जा सकता है। तो उन रिलेशनशिप्स को एक डायग्राम से शो किया गया है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्री डायग्राम, यानी कि एंसेस्टर्स हैं पहले, फिर उनके डिसेंडेंट्स हैं, फिर उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स होते हैं, पैराफाइलेटिक होते हैं और पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक ऐसे होते हैं एनिमल ऑर्गेनिजम्स जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसेस्टर होता है। ठीक है, और पैराफाइलेटिक ऐसे होते हैं जो कि कॉमन इंसेस्ट्री को शेयर करते हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स के एनिमल्स होते हैं और वो आपस में रिजेम्बलेंस शो करते हैं और वो एक इंसेस्टर को शो करते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं। और पॉलीफाइलेटिक होते हैं जिनके मोर देन वन एंसेस्टर्स होते हैं। तो इतना इसके बाद अगर हम देखें कि इन रिलेशनशिप्स को देख के अगर हम ट्री डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम उस ट्री डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हुए कुछ बातों को इग्नोर किया गया था। एवोल्यूशन के लिहाज से उसको इग्नोर किया गया था। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्री डायग्राम्स में शो नहीं किए गए लेकिन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था। उनमें से सबसे पहला है जी शोइंग रिलेशनशिप अबव स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो ट्री डायग्राम्स हैं ये रिलेशनशिप्स जो होती है ये जो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम्स हैं, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो एनिमल्स के दरमियान है और उस किस टाइम पे ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या थे और उस वक्त कौन कौन से इंसेस्टर्स थे, कौन कौन से डिसेंडेंट्स थे उस वक्त तक के जो एनिमल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ये शो करता है। लेकिन ये जो सारे रिलेशनशिप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज लेवल से ऊपर थे। लेकिन ये बात क्लियर है कि एवोल्यूशन जब होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ लेवल यानी कि पॉपुलेशन लेवल पे होती है। एक ही स्पीशीज़ के एनिमल होते हैं, सेम ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जिनमें एवोल्यूशन होती है और उनमें कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। तो इसमें जो ट्री डायग्राम था उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशनशिप्स थे वो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ लेवल से ऊपर शो किए थे, जो कि मिसलीडिंग है इस ट्री डायग्राम में। ठीक है, दूसरी इसमें ड्रॉबैक ये था ट्री डायग्राम में कि एवोल्यूशन स्पीशीज़ लेवल। तो एवोल्यूशन हमेशा स्पीशीज़ लेवल पे यानी कि पॉपुलेशन लेवल पे होती है, ये कभी भी हायर टैक्सोनॉमिक लेवल पे नहीं होती। ठीक है, ये अगर कम्युनिटी लेवल पे देखें तो वो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। तो एवोल्यूशन जो होती है वो सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि एक पॉपुलेशन को शो करते हैं और वो एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, एक ही हैबिटेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें एवोल्यूशन टाइम के साथ साथ होती है और उनमें जो अडेप्टेशन आती हैं वो टाइम के साथ साथ होती हैं। लेकिन ट्री डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। तो एवोल्यूशन जो है वो हमेशा होती है स्पीशीज लेवल पे, ये कभी भी हायर टैक्सोनॉमिक लेवल पे अकर नहीं करती। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि जो अगर ये एवोल्यूशन जो है ये स्पीशीज़ लेवल पे हो रही है तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो उनके प्रीवियस इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, उनके यानी कि उस वक्त जो इंसेस्टर्स थे और डिसेंडेंट्स थे उनकी एज कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो ये भी एक उन्होंने जब कहा था, जब एवोल्यूशन हुई तो उन्होंने कहा कि ट्री डायग्राम को जब रिप्रेजेंट किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो फाइलम और क्लासेस हैं उनको सेम लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर उन्होंने उनको सेम लेवल पर अगर शो किया है तो वो ही उनके एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स की एज सेम है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एंसेस्टर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें कि
पेरेंट्स की और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी एज अगर सेम हो जाए, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो एंसेस्टर्स हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उनके डिसेंडेंट्स हैं, तो अगर हम ये कहें कि उनकी जो है एज उनकी अगर सेम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ट्री डायग्राम में ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो थर्ड जो ड्रॉबैक था, शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ये है कि कुछ जो अभी इवॉल्व हुए हैं, एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, उनको उन्होंने कहा है कि ये जो पहले एनिमल्स थे उनके इंसेस्टर्स थे, या फिर जो पहले इवॉल्व हुए थे उनके इंसेस्टर्स जो अभी मौजूद हैं डिसेंडेंट्स, तो इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उसमें जो इंसेस्टर्स हैं और जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी एज कैसे सेम हो सकती है, ये उसमें क्लैरिफाई नहीं था। ठीक है, उसके बाद शोइंग मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स एट टिप ऑफ ब्रांचेस, तो जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अभी इवॉल्व हुए हैं, ऑल मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ट्री ब्रांच। तो इसका मतलब है कि जो पहले इवॉल्व हुए हैं उनको नीचे होना चाहिए ट्री डायग्राम के, और जो अभी इवॉल्व हुए हैं उनको टिप्स पे होना चाहिए, ब्रांचेस पे होना चाहिए, लेकिन उनको इन्होंने उस तरह शो नहीं किया ट्री डायग्राम में। दे मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। जाहिर सी बात है, अगर उस वक्त हम कहते हैं कि जो क्रॉलिंग एनिमल्स थे उन्होंने बाद में फ्लाइंग वाली जो अडेप्टेशन हैं वो इवॉल्व कर ली थी, तो वो तो बाद में ही आएंगे, वो मॉडर्न होंगे, उनको उनकी टिप्स पे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं था। जाहिर है जो इंसेस्टर्स थे वो डिफरेंट थे, उनकी अडेप्टेशन और थी, उनका एनवायरनमेंट और था, उनकी जो थी ज़रूरियात थी, जो उनकी नेसेसिटीज़ थी उस टाइम के लिहाज से वो और थी, और जो अभी मॉडर्न एनिमल्स हैं उनकी जो हैं अडेप्टेशन उनकी और हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो जूलॉजिस्ट यूज़ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर शोइंग जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंसेस्टर स्पीशीज़। होना तो ये चाहिए कि जो एंसेस्टर्स हैं उनको देख के ये पता चलाया जा सके कि जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जूलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो अभी वाले एनिमल्स हैं उनको लेके उनकी हिस्ट्री स्टडी करके ये कहते हैं कि ये उन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं या इनकी करेक्टरिस्टिक्स उनकी तरह की हैं। बट दे नेवर स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ एंसेस्टर स्ट्रक्चर फंक्शन और इकोलॉजी। बस वो ये कहते हैं कि जो इंसेस्टर्स थे उनकी ये करेक्टर्स थे, उनसे मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उनकी इकोलॉजी, उनका हैबिटेट क्या था, उनकी परफॉर्मिंग क्या थी और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या था, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। लैडर लाइक प्रोग्रेशन। अब ट्री डायग्राम नैरो से ब्रॉडर होता जाता है। ठीक है, अगर हम एक इंसेस्टर से स्टार्ट करें और उसमें से उसके डिसेंडेंट्स निकाल लें, तो ये जो है ये एक लैडर लाइक प्रोग्रेशन आती है। ठीक है, इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी आती जाती है कि एक इंसेस्टर से डिफरेंट एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, तो लैडर लाइक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक सीढ़ी की तरह का उसने जो है ट्री डायग्राम में शो किए हुए हैं एनिमल्स को। एवोल्यूशनरी ट्रीज ऑफन शो अ लैडर लाइक प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, बट एवोल्यूशन हैज़ ऑफन रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एवोल्यूशन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि एवोल्यूशन एक टाइम पे, एवोल्यूशन हमेशा स्पीशीज लेवल पे यानी कि पॉपुलेशन लेवल पे होती है, और उसमें कई साल लग जाते हैं एक स्ट्रक्चर के मॉडिफाई होने में या एक अडेप्टेशन आने में। तो ये उसने शो नहीं किया हुआ कि एवोल्यूशन जो है जिस तरह से उसने ट्री डायग्राम को शो किया हुआ है उस तरह एवोल्यूशन नहीं होती। एवोल्यूशन में कुछ स्ट्रक्चर्स रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ अडेप्टेशन नहीं आ जाती हैं। तो एवोल्यूशन में रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी एंड बॉडी फॉर्म्स दैट आर एवोल्यूशनरी फेलियर। तो एवोल्यूशन जो है वो इस ट्री डायग्राम को फॉलो नहीं करती, देयरफॉर दिस इज मिसलीडिंग। प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है, जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं जिनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता, तो उनको अगर टाइम के साथ साथ हम ये कहें कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है, तो एनिमल्स के जिन स्ट्रक्चर्स की उनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं थी, उन स्ट्रक्चर्स को वो स्ट्रक्चर्स अपीयर नहीं होते। ठीक है, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता या कोई ऐसी फिनोटाइप्स होती हैं
जो कि एवोल्यूशन के साथ प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि उस कंडीशन में, उन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। इन मैनी केसेस एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइप्स दैट सर्वाइव इन अंडर कंडीशंस। एवोल्यूशन जब होती है तो कुछ ऐसी उसमें आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती हैं कुछ एनिमल्स में, जो कि उस वक्त अपीयर नहीं होती, या फिर अगर अपीयर हो भी जाती हैं वो फिनोटाइप्स, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक वो सर्वाइव नहीं कर सकते एनिमल्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटिंक्शन जो है वो एवोल्यूशन के साथ साथ होती रहती है। तो ये ट्री डायग्राम में ये नहीं बताया हुआ उसने कि एवोल्यूशन जब हो रही है तो उसमें एक्सटिंक्शन कहाँ पे हो रही है, कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो गए थे उनका जिक्र ट्री डायग्राम में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन एज इन्वर्टेड कोन, तो इन्वर्टेड कोन की शेप अगर ट्री डायग्राम की को जेन में लाएं तो उसकी शेप इन्वर्टेड कोन की तरह है, यानी एक इंसेस्टर से स्टार्ट होके वो कहाँ पे चले गए थे, सारे डिसेंडेंट्स में। द कॉमन फाइलोजनी इज रिप्रेजेंटेड एज एन इन्वर्टेड कोन और अ ट्री। ट्री जैसे कि नीचे से स्टेम है और ऊपर से वो उसकी ब्रांचेज हैं। दिस ट्री हैज़ अ नैरो ट्रंक एंड मैनी हायर ब्रांचेज। ठीक है, उसका जो ट्रंक है यानी कि उसका जो स्टेम है वो नैरो है और उसकी ब्रांचेज जो हैं वो हायर हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ आल्सो मिसलीडिंग। तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एवोल्यूशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कि एवोल्यूशन के साथ साथ नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। ये बात ठीक है कि एवोल्यूशन के साथ नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवोल्यूशन अगर हो रही है तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी स्पीशीज इवॉल्व होती हैं तो एक्सटिंक्शन भी साथ साथ होती है, तो इसमें वो नहीं शो किया। इट शोज दैट एवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो अगर एक ट्री की एग्जांपल अगर लें तो उसका जो स्टेम है वो नैरो है और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे उसने कहा है कि ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है ये शो कर रहा है, ये ट्री डायग्राम ये शो कर रहा है कि एवोल्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो डाइवर्सिटी आ रही है एनिमल्स की, न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ साथ, न्यू अडेप्टेशंस के साथ साथ, लेकिन फॉसल रिकॉर्ड ये शो नहीं करता। ठीक है, फॉसल रिकॉर्ड ये शो नहीं करता कि एवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल 20 to 30 ग्रुप्स ऑफ इकोनोडर्म्स हैं, यानी कि सी स्टार्स हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो उनके जो फॉसल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, बट देयर आर ओनली 5 मॉडर्न ग्रुप्स। कहते हैं कि जो उन फॉसल रिकॉर्ड्स हैं उनमें इकोनोडर्म्स के 20 to 30 ग्रुप्स हैं, लेकिन मॉडर्न जो ग्रुप्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रुप्स ही हैं इकोनोडर्म्स के। दिस एवोल्यूशनरी लीनिएज अंडरवेंट रैपिड इनिशियल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन। तो कहते हैं कि जब टाइम के साथ साथ, जब उस वक्त जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इकोनोडर्म्स के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स थे, अब एवोल्यूशन जो है वो नैरो डाउन हो गया है। जैसे ये इन्वर्टेड कोन की एग्जांपल ये है कि जो एक ट्री का स्टेम जो है वो नैरो होता है और उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहते हैं कि एवोल्यूशन, इससे पता चलता है कि एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बात इस तरह से है कि अगर एग्जांपल लें इकोनोडर्म्स की, तो कहते हैं कि एट दैट टाइम देयर वर 20 to 30 ग्रुप्स ऑफ इकोनोडर्म्स एंड देयर रिलेटिव्स, बट नाउ देयर आर ओनली 5 मॉडर्न ग्रुप्स ऑफ इकोनोडर्म्स। दिस एवोल्यूशनरी लीनिएज अंडरवेंट रैपिड इनिशियल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन। कहता है कि जो डाइवर्सिटी आई थी वो उसी वक्त आई थी, वक्त के साथ साथ ये जो ट्री है इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होने की बजाय नैरो डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन ट्री डायग्राम में उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रांचेस हैं ये इसकी बहुत ज़्यादा हैं और ट्रंक जो है वो उसका नैरो है। आफ्टर इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन एक्सटिंक्शन अकर्स। ठीक है, एक्सटिंक्शन जब इकोनोडर्म्स के 20 to 30 ग्रुप्स इवॉल्व हुए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके जो 20 से 30 ग्रुप्स थे उनके जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे सर्वाइव किए हों। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ म्यूटेशंस आई होंगी, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो उस इन्वायरमेंट के साथ कोप नहीं कर पाए होंगे और उनकी डेथ हो गई होगी, एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी उस वक्त आई थी वो अभी नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ वही सर्वाइव कर सकेंगे जो कि इन अडाप्टेशन, जिन्होंने अडाप्टेशन जिनमें आ गई हैं या जिन्होंने इस इन्वायरमेंट को कोप कर लिया है। सो देर इज़ नो फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बात
जो है वो बिल्कुल गलत साबित हो गई थी कि एक ट्री डायग्राम जो है उसमें एवोल्यूशन को एक एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस शो करना गलत था। जो एक पेलेंटोलॉजिस्ट था, पेलेंटोलॉजिस्ट जो होता है वो फॉसिल की स्टडी करने वाले को कहते हैं पेलेंटोलॉजिस्ट। स्टीफन जे गोल्ड था यूजिस द टर्म कॉन्टीजेंसी रैपिडली फॉर रैपिड एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन, इट इज़ फॉलोड बाई द हाई लाइकलीहुड ऑफ एक्सटिंक्शन। वो कहते हैं कि जब जो डाइवर्सिटी उस टाइम पे आई थी वो अभी के जो एनिमल्स हैं उनमें मेंटेन नहीं रह सकती, क्योंकि एवोल्यूशन के साथ साथ एक्सटिंक्शन भी होती है। डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम्स ट्री डायग्राम्स आर यूज इन द बुक। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स ट्री डायग्राम में हैं, इसके बावजूद जो है ट्री डायग्राम को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके जो एवोल्यूशन है यानी कि जो उनके इंसेस्टर्स हैं उनके बारे में पता चलाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एवोल्यूशन हो गई है, ट्री डायग्राम में एनिमल्स को शो कर लिया है कुछ इंसेस्टर्स से, कुछ उनके डिसेंडेंट्स से, कुछ कुछ मोनोफाइलेटिक थे, कुछ पैराफाइलेटिक थे, कुछ पॉलीफाइलेटिक थे। तो अब उनकी बॉडी की कोई शेप होगी, कोई उनके स्ट्रक्चर्स होंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई उनकी सिमेट्री होगी। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में एवोल्यूशन होती है, ठीक है। एक्सटिंक्शन भी साथ साथ हो रही है, अडेप्टेशन भी साथ साथ हो रही है, और सर्वाइव वही एनिमल्स करेंगे जो कि उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप करेंगे। तो उनका जो बॉडी प्लान है, दिस कैन बी सीन इन द बॉडी प्लान्स इन द एनिमल किंगडम एंड प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट जो है वो सबसे लोअर एनिमल्स थे, उनकी बॉडी प्लान जो है वो कुछ अरेंज हुआ था। उनकी जो बॉडी थी वो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द अरेंज हुई थी, उनके स्ट्रक्चर्स थे, उनकी ऑर्गेनेल्स थी वो उसके गिर्द अरेंज हुए और उनने उनकी बॉडी को एक शेप दे दी। एवोल्यूशनरी चेंजेस डू नॉट ऑलवेज मीन प्रोग्रेस। ये बात तो पहले हमने की है कि एवोल्यूशन हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। एवोल्यूशनरी चेंजेस डू नॉट ऑलवेज मीन प्रोग्रेस एंड इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाती, ये कभी कभी एक्सटिंक्शन की तरफ भी जाती है। एवोल्यूशन ऑल्सो कॉज डीजनरेशन, ठीक है। डीजनरेशन एक्सटिंक्शन जब होती है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका वक्त के साथ साथ फंक्शन नहीं रहता बॉडी में, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो डिजनरेट हो जाते हैं वो ऑर्गन्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूस यूजलेस स्ट्रक्चर्स। एवोल्यूशन ऑफन प्रोड्यूस डेड एंड, ठीक है। एवोल्यूशन के का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। या तो ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है या फिर ये डिजनरेशन की तरफ जाती है। द पाथ ऑफ एवोल्यूशन इन एनिमल्स इज वेरी डिफिकल्ट। एवोल्यूशनरी पाथ डज नॉट शो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ठीक है। तो एवोल्यूशन, अगर हम इनकी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री है, उसके बाद यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री जो है ये क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एनिमल अराउंड अ पॉइंट और एन एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है उसके गिर्द एनिमल की जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिमेट्री। देयर इज डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स की बॉडीज की वो इतनी डाइवर्स है कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एनिमल्स को उनकी बॉडी शेप के लिहाज से कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हाउएवर सर्टन पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट विद इन दिस डाइवर्सिटी। द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री इज फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिमेट्री का कंसेप्ट जो है वो बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। जो रेडियल एसिमेट्री है, एसिमेट्री का मतलब है ए मीन्स एब्सेंस,
एस्टिमेट्री मीन सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस, ठीक है। हमने पढ़ा है सिमेट्री क्या है, कि वो एक सेंट्रल पॉइंट है या फिर एक्सिस है जिसके गिर्द जो है वो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो अरेंज हैं। और एसिमेट्री का मतलब है कि वो सेंट्रल पॉइंट या फिर एक्सिस ही नहीं है जिसके गिर्द बॉडी के पार्ट्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्री। द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस अराउंड विच बॉडी पार्ट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एसिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल स्पंजिस, यानी के स्पंजिस जो हैं उनकी अगर अमीबा की अगर आप एग्जाम्पल ले लें, तो अमीबा की जो बॉडी है वो सूडो पोडिया उसके होते हैं बॉडी के, यानी कि उसकी इररेगुलर शेप है बॉडी की। तो एसिमेट्री, उसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसके ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अरेंज हैं, ठीक है। इट गिव्स नो एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका कोई जो है ऑर्गेनिज्म को फायदा नहीं है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट डिवेलप कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सेंसरी और लोकोमोटरी फंक्शंस। तो अमीबा में कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहे। तो उसके जो सूडोपोडिया हैं, जहाँ भी वो मूव करता है उसका वो बॉडी पार्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अरेंज रहे, ठीक है। हाउएवर द प्रोटिस्ट विद एसिमेट्री हैव फ्लरिश्ड, ठीक है। अमीबा जो है वो प्रोटिस्ट है, तो वो क्या है, एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है, कि ऐसे पॉइंट या फिर ऐसे एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट जिसमें से कोई भी प्लेन जो है वो गुजरे, जिसमें से अगर हम कोई भी उसको जो है कट करें, अगर दरमियान से उसको एंटीरियर एंड से हम कट करें या फिर उसको पोस्टीरियर एंड से कट करें, तो एनिमल जो है उसकी बॉडी तो मिरर इमेजेस में कट हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर आप ये एग्जांपल्स देखें, तो ये जो रेडियल सिमेट्री है ये हाइड्रा में है, ठीक है। हाइड्रा में अगर ये आप देखें, तो इसकी जो सेंट्रल पॉइंट है इसके अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली या फिर इसको हम किसी भी साइड से इसको कट करें, तो ये जो है इसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम कंसीडर करके, जिसके इर्द गिर्द इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इस तरह अरेंज हैं कि अगर हम उसको किसी भी प्लेन में कट करें तो उसकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ओरल और अबोरल एक्सिस। ओरल जो है, ओरल का मतलब ये है कि ओरल एंड जो है वो माउथ वाला होता है, और अबोरल जो है वो पोस्टीरियर टू माउथ अपोजिट एंड होता है जो माउथ का, उसको बोरल एंड कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू मिरर इमेजेस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मिरर इमेजेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्ट को देख लें या दूसरे पार्ट को देख लें, उसमें कोई फर्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल सी एनिमोन, ठीक है। फाइलम सीलियंटेटा के जितने भी एनिमल्स हैं उसमें आ जाते हैं हाइड्रा, हाइड्रा आ जाता है, सीलिया आ जाते हैं, ओबिलिया आ जाते हैं, सी एनिमोन आ जाते हैं। तो उनकी अगर एग्जाम्पल इसमें फिट करें, तो उनकी बॉडी ऐसी है, वो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द उनके बॉडी पार्ट्स इस तरह से अरेंज हैं कि अगर उनको उनमें से एक जो है वो प्लेन उसको कट किया जाए दरमियान में से, तो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। सी एनीमोन जो है वो स्लोली मूव करता है, यानी कि ये मूव बहुत स्लोली करता है। ज़्यादातर ये होता है सेडेंट्री होता है, ठीक है, सेडेंट्री एनिमल है। इसके जो सेंसरी और फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी है कि इसने कोई भी बाहर से इसको आउटपुट आ रही है, इसको सेंसेशन आ रही है कि मुझे कोई खतरा है, या फिर वाइब्रेशन की से इसको सेंसेशन हो जाती है, तो ये स्टिक करके रहता है किसी चीज़ के साथ। तो अगर इसकी जो फीडिंग और सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सी एनिमोन, इसका कोई हेड और टेल एंड नहीं है, ठीक है। वन एंड ऑफ एनिमल पोजेसिज माउथ, इट इज कॉल्ड ओरल एंड, द अपोजिट एंड ऑफ द माउथ इज कॉल्ड अबोरल एंड। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। देयर आर सर्टन अरेंजमेंट्स इन द रेडियल सिमेट्री ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री में भी अरेंजमेंट्स होती हैं, वो बाई रेडियल भी हो सकती है सिमेट्री और पेंटा रेडियल भी हो सकती है।
एग्जाम्पल में फाइलम सिलिएंट्रेटा की एग्जाम्पल दी है, उसमें जो सारे एनिमल्स हैं उसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजोआ आ जाते हैं जिसमें हाइड्रा आ जाता है, आ जाते हैं उसमें साइफोजो आ जाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल है, और उसमें जो अरेंजमेंट होती हैं वो बाई रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल सिमेट्री क्या है कि पेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स इज कॉल्ड बाई रेडियल सिमेट्री। इसकी अगर क्लास जो फाइलम सिलिएंट्रेटा की तीन ही क्लासेज हैं, ठीक है, तीन क्लासेज हैं, एक है हाइड्रोजोआ, दूसरी है एंथोजोआ और तीसरी है साइफोजोआ। एंथोजोआ में आ जाते हैं सी एनिमोन। तो इसकी जो क्लास एंथोजोआ है फाइलम सिलिएंट्रेटा की, उनके जो एनिमल्स हैं और जो उनके जो हैं लार्वीज हैं उनकी जो बॉडी के अरेंजमेंट है वो क्या है, उनकी है बाय रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन मॉडिफाइड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन पेयर्स आर इन अदर कम्बिनेशन। दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल ओरल बोरल एक्सिस, ठीक है, उसी तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है तो उसके इर्द गिर्द जो है इनकी पेयर्ड अपेंडिजेज होती हैं, ठीक। तो इनके जो एंथोजोआ के एनिमा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि उनकी कौन सी अरेंजमेंट है, बाय रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद पेंटा रेडियल, पेंटा मीन फाइव, तो इसमें अगर पेंटा रेडियल सिमेट्री है कि तो अगर कोई भी प्लेन पास कर रहा है उनकी बॉडी से सेंट्रल एक्सिस में से, तो वो उसके जो बॉडी है उसको पांच पार्ट्स में, पांच हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन फाइव्स अराउंड अ रेडियल एनिमल इज कॉल्ड पेंटा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें जो सी स्टार है, ठीक है, सी स्टार की फाइव आर्म्स होती हैं, ठीक है, और उसका सेंट्रल एक्सिस भी होता है। जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं उनमें कौन सी सिमेट्री है, पेंटा रेडियल, लेकिन जो उनके लार्वीज हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं। द सेंसरी फीडिंग एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिंपल इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो कहते हैं कि इनके जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर फीडिंग या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं इनमें सिंपल नहीं है, ठीक है, बट दे आर नॉट कंपेरेबल टू कम्प्लेक्स, ना ही वो इतने सिंपल हैं और ना ही इतने कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें एवोल्यूशन ऑफ सच कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स रिक्वायर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अराउंड द एनिमल, ठीक है। हमने पढ़ा है, हमने सबसे पहले सिमेट्री पढ़ी है, उसमें हमने एसिमेट्री पढ़ी है कि उसमें कोई सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस नहीं होता जिसके इर्द गिर्द उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके बाद हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ी है, बाई रेडियल सिमेट्री पढ़ी है। उसके बाद बाई रेडियल सिमेट्री में हमने पढ़ा बाई रेडियल सिमेट्री होती है और पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल सिमेट्री जो है उसमें आ जाते हैं फाइलम सिलिएंट्रेटा की क्लास एंथोजोआ के एनिमल्स यानी कि सी एनिमोन आ जाते हैं। पेंटा रेडियल में आ जाते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं उनमें होती है यानी कि सी स्टार में होती है। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री जो हैं प्लेटीहेलमिंथस से लेके यानी कि अर्थवर्म से लेके जितने भी कॉर्डेट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उन सब में कौन सी सिमेट्री है, बाईलेटरल सिमेट्री। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच अ सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन अपर एंड लोअर सर्फेसिस एंड थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एनिमल डिवाइड द एनिमल इंटू राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस इज कॉल्ड बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अगर एक ह्यूमन की एग्जांपल लें तो अगर इसको दरमियान से अगर कट करें तो इसकी राइट और लेफ्ट साइड जो है वो अलग हो जाएंगी और वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री। जितने भी हायर एनिमल्स हैं या जितने भी सिलोमेट एनिमल्स हैं यानी कि प्लेटीहेलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या कौन सी सिमेट्री है, बाईलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव क्रॉलिंग और स्विमिंग एनिमल्स, ठीक है ना। लेकिन जो हमने पढ़ी है रेडियल सिमेट्री है या फिर बाई रेडियल सिमेट्री है, पेंटा रेडियल है, वो जो सिमेट्री थी वो थी सेडेंट्री एनिमल्स में यानी कि जो कि स्लोली मूविंग एनिमल्स। देयर आर टू एंड्स इन एन एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो दो एंड्स हैं, हमें पता है कि हमारा एक एंटीरियर एंड है जो कि हेड वाला है और जो दूसरा है हमारा पोस्टीरियर एंड है जो टेल वाला एंड है, ठीक है।
तो एंटीरियर एंड विद हेड द बाइलेटरल एनिमल्स मूव प्राइमरली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि जो लोअर एनिमल्स हैं वो क्या हैं कि अर्थवर्म की अगर एग्जांपल ले लें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो उसको देयर फॉर वन एंड ऑफ द एनिमल इज कंटिन्यूअली इंटर काउंटिंग विद इन्वायरमेंट। तो एक एनिमल का जो एंड है, अगर जो एक ही डायरेक्शन में एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो उनका जो एंड जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इनकाउंटर कर रहा है, तो वो क्या है, उनका एक ही एंड उसके साथ इनकाउंटर कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड एंटीरियर एंड, ठीक है। इसको एंटीरियर एंड या फिर हेड कहते हैं। एंटीरियर एंड हैज़ कॉम्प्लेक्स सेंसरी नर्वस फीडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंटीरियर एंड चूंकि इसमें ब्रेन होता है तो इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होंगे, नर्वस फंक्शन भी इसके होंगे, फीडिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे, जो कि ब्रेन जो है वो, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को उसने कंट्रोल किया गया है, हुआ है, ठीक है। दीज डिवेलपमेंट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेड, ठीक है। डिस्टिंक्ट हेड है एक हायर एनिमल्स में, क्वाड्रेट्स में अगर देखें, प्राइमेट्स में देखें, यानी कि ह्यूमन जो हैं उनका डिस्टिंक्ट हेड है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड कंसनट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, हाँ, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कंसनट्रेशन है उनकी, ठीक है। उसमें कुछ जो हैं वो सिग्नल जो ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, कुछ ब्रेन से दूर लेके जाते हैं, तो ये क्या है कि ये इनकी कंसनट्रेशन है। तो इसको क्या कहते हैं, स्फेलाइजेशन। स्फेलाइजेशन अकर एट एन एनिमल्स एंटीरियर एंड, ठीक है। ये स्फेलाइजेशन जो है सेंसी ऑर्गन्स की जो कंसनट्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हेड रीजन में होती है, और इसको ये जो एनिमल का एंटीरियर एंड है ये सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर हेड में ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर एंड है या फिर टेल वाला एंड है, जो हेड के अपोजिट एंड है, उसको क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, ठीक है, सॉरी पोस्टीरियर एंड। द पोस्टीरियर एंड हैज एनिमल्स टेल एंड, ठीक है, टेल एंड है या फिर लेग्स हैं ह्यूमंस में। अदर इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ डायरेक्शन एंड टर्म्स डिस्क्राइबिंग बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस अप्लाई टू बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ये जो कुछ टर्म्स हैं इनको आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। दो अदर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री को डिस्कस किया है, जिसमें हमने रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री पढ़ी है, सिमेट्री पढ़ी है, तीन पढ़ी है। जो दूसरी है उसमें यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जो सबसे पहला है यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल, ठीक है। एक ही सेल पे जो एनिमल्स मुश्तमिल हैं उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स आर सेलुलर एग्रीगेट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रही है, या फिर उनके जो सेल्स हैं उन वो एग्रीगेट की फॉर्म में रह रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म शो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेलुलर बॉडी प्लान्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्ट, यानी कि जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, या फिर ये सारे से हो गए एनिमल्स, ठीक है, ये लोअर एनिमल्स हैं। तो इनके जो बॉडी प्लान है ये क्या है कि ये यूनिसेलुलर है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग फंक्शंस आर कैरीड ऑन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल सेल है, उसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, तो वो सारे फंक्शंस उसी में परफॉर्म हो रहे हैं। देयरफॉर सम जूलॉजिस्ट यूज द टर्म साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगर वो सिंगल सेल है, उसी के साइटोप्लाज्म में जो उसकी डाइजेशन हो रही है, उसी में न्यूट्रिशन हो रही है, उसी में उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, उसी में उसकी सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, ठीक है, ये ऐसा सिंपल भी नहीं है और इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। सेल्स हैं तो वो मूव भी करते हैं, फीड भी करते हैं, डाइजेशन भी होती है, वाटर एंड आयरन रेगुलेशन भी होती है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए उनको अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को भी बैलेंस करना पड़ता है, सेंसरी परसेप्शन भी है, एंड रिप्रोडक्शन इन अ सिंगल सेल, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेलुलर कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ द लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, कहते हैं कि सेल्स जो हैं
डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं। दी सेल्स एग्जिबिट लिटल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अगर वो सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट करके एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट हैं। वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि वो एक दूसरे के बगैर अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सकें। ठीक है, कोऑपरेशन होती है उनमें, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन होती है फंक्शन के लिहाज से। देयर फॉर सेलुलर एग्रीगेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टिश्यूज। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर वो सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, थोड़े बहुत वो उनके फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, टिश्यूज बन गए हैं। बट दीज ऑर्गेनिजम्स शो सम डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अपने फंक्शंस जो हैं वो शेयर करेंगे। सम सेल्स में बी स्पेशलाइज फॉर रिप्रोडक्टिव, न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल फंक्शंस। ठीक है, ये डिफरेंट सेल्स जो हैं ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक यूनिसेलुलर मीन्स के जो हैं वो एनिमल सिंगल सेल है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। डिप्लोब्लास्टिक क्या है, एनिमल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बॉडी की दो लेयर्स होती हैं और वो दोनों लेयर्स क्या बनाती हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनाती हैं, इसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज इन मोस्ट एनिमल फाइला। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सिंपलेस्ट है। ठीक है, इसमें दो बॉडी की लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म जो है आउटर लेयर होती है बॉडी की, जिसको एपिडर्मस कहते हैं, और जो एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मस होती है, यानी कि गट ट्रैक, जिसको हम कहते हैं ह्यूमंस में तो गैस्ट्रोडर्मस लाइंस द गट कैविटी। ठीक है, मिसोग्लिया होती है एक, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में के दरमियान हमने पढ़ा है कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स हैं, एक आउटर है और एक इनर है। और ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो सेल्स होते हैं, जो जो डेड होते हैं, जो नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इज कॉल्ड मिसोग्लिया। ठीक है, इनको कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। सेल्स अकर इन द मिसोग्लिया इन सम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर ऑलवेज डिराइव फ्राम द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, या फिर ये एक्टोडर्म से या फिर एंडोडर्म से ये इवॉल्व हुए हैं और इसको मिसोग्लिया का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं या फिर एंडोडर्म के जो सेल्स हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के साथ एक फंक्शन जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं, ये शेयर करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फीडिंग के लिए या फिर किसी और फंक्शन के लिए। गैस्ट्रोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रिटिव, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस गट कैविटीज का मतलब है कि ये डाइजेशन के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड है, यानी और मस्कुलर सेल्स। ठीक है, द एपिडर्मिस कंटेन्स द एपिथिलियल, ये बॉडी को कवर करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर मूवमेंट्स करवाएगी। ठीक है, फीडिंग मूवमेंट्स ऑफ द हाइड्रा और स्विमिंग मूवमेंट्स ऑफ द जेलीफिश टेक प्लेस बाय द कॉपरेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इनमें जो एंडोडर्म में और एक्टोडर्म में जो सेल्स हैं उनमें ग्रुप्स की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है, टिश्यूज की फॉर्म में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि इनको मूव भी करवाएंगे और फीडिंग भी करवाएंगे। दीज सेल्स शो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें तीन लेयर, ट्राई मीन तीन, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनके टिश्यूज जो हैं वो तीन एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर, जब एम्ब्रियो बनता है तो उसकी कितनी लेयर होती हैं, तीन लेयर होती हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होती है, एक्टोडर्म होती है जो कि आउटर होती है, ठीक है, और एंडोडर्म होती है जो कि गट ट्रैक्ट को जो है वो उसने लाइन किया होता है। मीजोडर्म जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है बनती है, ये जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, मीजोडर्म। तो ये सपोर्ट करती है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो इस बनाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं इनमें कौन सी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि टिश्यूज जो हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। इनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, इनके सारे जो सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग इवॉल्व हो गया, एंड अदर सिस्टम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर रिलेटिवली एक्टिव, ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं इनमें एक और जो है वो बॉडी कैविटी होती है, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो इनकी लेयर है वो मीजोडर्म है, उसके अंदर जो है वो क्या है सिलोम है, इनकी बॉडी कैविटी है उसको क्या कहते हैं सिलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर ऑर्गनाइज इंटू सेवरल सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी सिलोम। सिलोम क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कि इसमें फ्लूइड ही होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है कि वो जो हैं इसमें सेपरेटली इस बॉडी वॉल के अंदर जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करें। बॉडी कैविटीज और सिलोम हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हैं, ये जो ऑर्गन डेवलपमेंट है यानी कि जो लार्वा से एडल्ट बनना होता है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो वक्त के साथ साथ डिवेलप करते हैं, तो वो इसी जो ये जो सिलोम है ये कैविटी क्या करती है स्पेस प्रोवाइड करती है कि ऑर्गन्स इसमें डिवेलप हो सके। ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है कि जो बॉडी में डिफ्यूजन है गैसेस की या न्यूट्रिएंट्स की या फिर वेस्ट को बॉडी के अंदर जो बॉडी के से बाहर लेके जाना है उनको हेल्प करती है कि ये बॉडी को क्लीन रखे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एरिया फॉर स्टोरेज। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो गई हैं कि फूड शॉर्टेज है तो ये क्या करेगी, ये उसको स्टोर कर लेगी फूड को फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट एक्ट्स हैज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन अभी ये मैंने बताया आपको कि सिलोम जो है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, अगर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है तो इसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सस्पेंडेड है। ठीक है, ये एक्ट करती है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का मतलब क्या है कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है उन ऑर्गन्स के ऊपर और उनको बॉडी के अंदर जो है एक प्रॉपर शेप दे के रखता है, जैसे बलून होता है। ठीक है, अगर उसको वो बाहर से उसको कंप्रेस हम करें तो वो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो इंटरनल जो है इन्वायरमेंट को बड़ा स्मूथ उसने रखा हुआ है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये क्या करता है कि जो बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना होता है या फिर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर लेके जाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बॉडी साइज, ये बॉडी साइज को इंक्रीज भी करती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन स्केलेटन और सपोर्ट प्रोड्यूस बाय द सपोर्ट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूड, जो सिलोम के अंदर यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूड है उसका जो प्रेशर सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। इट गिव सपोर्ट एंड अलाउ द बॉडी टू रिमेन फ्लेक्सिबल। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इसको कहते हैं कि जब पानी एक बैलून में भर देते हैं तो इसके उसको उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये लगता तो रिजिड है लेकिन ये होता फ्लेक्सिबल है। द वाटर इन बलून इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, पानी जो है बलून में उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते उतनी सख्ती से। इट इज प्रेस्ड फ्रॉम वन एंड इट कॉज बलून टू लेंथन। अगर उसको एक एंड से हम कंप्रेस करते हैं तो दूसरी साइड से वो जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो कंप्रेसिंग बोथ हैंड्स कॉजेज द मिडल ऑफ द बलून। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं उनके जो हाइड्रोस्केलेटन है सिलोम है उसमें जो ऑर्गन्स है उनकी मूवमेंट है, जैसे कि सूडोपोडिया, इसमें अमीबा में सूडोपोडिया होती हैं वो क्या करते हैं कि उनमें जो सिलोम होती है वो क्या करते हैं कि उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बैक एंड फोर्थ उसको मूव करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं मूव करते हैं। सिमिलरली बॉडी वॉल मसल्स एक्ट ऑन सिलोमिक फ्लूइड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड चेंज ऑफ शेपिंग एंड मैनी एनिमल्स। ठीक है, ये बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन टाइप्स क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न की, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न है। एसिलोमेट मीन्स के जिस जिनमें सिलोम नहीं होता। ठीक है, सिलोम जो है उनमें नहीं होता। इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो मीजोडर्मली डिराइव टिश्यूज हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने हैं वो क्या है एक सॉलिड मैस बना देते हैं सेल्स का, ये जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान प्रेजेंट होता है तो इसको ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट है, इनमें जो है वो मीजोडर्म की जो इनर लाइनिंग है, जब ब्लास्टोसील बनता है सिंगल लेयर जो ब्लास्टूला बनता है
लार्वी बनता है, सिंगल लेयर होता है, उसमें से जो सेल्स होते हैं जो बच जाते हैं, कुछ एक्टोडर्म बना देते हैं, कुछ एंडोडर्म बना देते हैं, जो बच जाते हैं वो क्या बना देते हैं, मीजोडर्म बना देते हैं, ठीक है। इन सेल्स को ये क्या करते हैं कि ये गट ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है। मीजोडर्मल शीट भी नहीं होती जो कि इनर सरफेस जो है बॉडी वॉल की उसको कवर कर सके, तो इसमें कोई भी ऑर्गन सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पैटर्न है। इस सीलोमेट पैटर्न में क्या है कि ये इनमें ट्रू सीलोम होती है, ठीक है। अगर इनमें ट्रू सीलोम होती है तो इनकी जो बॉडी कैविटी, इनकी जो मीजोडर्मल शीट है, ठीक है, जो होते हैं सूडो सीलोमेट होते हैं उनमें मीजोडर्मल शीट नहीं होती, और वो बॉडी जो गट ट्रैक्ट है उसकी वॉल के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। तो ये जो मीजोडर्मल शीट है इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, जो ट्रू जिनमें ट्रू सीलोम होती है, ठीक है। पेरिटोनियम जो है वो इनर बॉडी वॉल को लाइन करती है और ये सीरोसा के साथ कंटिन्यूअस है, ठीक है। सीरोसा जो है वो क्या करती है कि जो विसरल ऑर्गन्स होती हैं उनको लाइन करती है, तो पेरिटोनियम और सीरोसा जो है वो कुछ पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ये पॉइंट्स क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं, मीजेंट्रीज। मीजेंट्रीज सस्पेंड द विसरल स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी कैविटी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये मीजेंट्रीज जो हैं ये क्या करती हैं कि ये सीरोसा है और उसके जो पेरिटोनियम है इसको ये क्या करती हैं, ये इनर बॉडी वॉल को, सीलोम को लाइन कर रही हैं, और जो इनमें ऑर्गन्स हैं सस्पेंडेड ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पैटर्न है। थैंक यू।